दर्शकबिन नमस्कार प्राइम टाइम में अपने के स्वागत है हम अमित ठाकुर एखन जे अहाँ सब टेलीविजन पर जे दृश्य देखल जे विरोध देख रहा है ये धमसा जिला के जनकपुर महानगर पालिका स्थित रंगभूमि मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जनकपुर महानगर पालिका लगायत देश के अन्य अन्य तराई क्षेत्र में सवारी साधन के मात्रा बढ़ के साथ साथ जे पैसेंजर के सहजीकरण के लिए ई रिक्शा जो है वो प्रचलन में सेहो बेसी आयल रहा है। ओय के साथ साथ जहाँ सुविधा बढ़ के साथ साथ चैलेंजेस सब अलग किसिम के सेहो निर्धारण भ रहा है। एक के बीच में जनकपुर उपमहानगर पालिका में ट्रैफिक नियम पालना कर के लिए तथा पैसेंजर के सहज हो सब के ध्यान में रखे ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगायत यातायात कार्यालय तथा जिला प्रशासन कार्यालय जिला विकास समिति सबके समन्वय तथा ई रिक्शा सबके जे एसोसिएशन जे यूनियन जे ओके सबके साथ में बैठक बैस के बाद एकरा सबके जे पैसेंजर सबके रूट तथा विभिन्न जगह पर जाय के लेल कतेक रेट होबे के चाहिए भाड़ा दर तय कैल गए। भाड़ा दर तय कर के बाद में आब ई विरोध प्रदर्शन सब शुरू भ रहल छै। आखिर में शुरुआत में जखन सहमति भ गेल तै के बाद फिर से विरोध किया इस सब चीज के चर्चा कर के लेल आई हमरा सब के साथ में तीन गोटे अतिथि के अपन स्टूडियो में आमंत्रित करने से हमरा सब के साथ में छथि ई रिक्शा के यूनियन के प्रतिनिधि मनोज झा तहिना ट्रैफिक इंस्पेक्टर छथि हरिनंदन चौधरी तहिना यातायात कार्यालय के मैकेनिकल इंजीनियर उपेंद्र यादव तीनों गोटे के बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ई रिक्शा यूनियन के जो प्रतिनिधि छथि मनोज जी उनका संगे प्रश्न करै छी। मनोज जी सहमति भ गेल छलै तै के बावजूदो अहाँ सब प्रदर्शन कऽ रहल छी आई प्रदर्शन में बेसी मास सेहो देखल गेलै तै के बाद अहाँ सब फेर सँ विज्ञप्ति जारी केलियै ज्ञापन पत्र बुझेलियै आखिर में माजरा की छै पहिले सहमति आ तै के बाद आप विरोध एखन कैला भऽ रहल छै ई रेट पर कारण ई छै जे कि नगर पालिका में दूटा संस्था छै एकटा नेपाल स्वतंत्र एकटा मिथिला टोके जे अध्यक्ष छै राजकुमार जी ओ 40-45 टा व्यवसायी के लऽ कऽ मातृ अध्यक्ष बनल छथिन। एहिठाम जे 1500 गाड़ी दौड़ रहल छै नेपाल स्वतंत्र ऑटो ई रिक्शा मजदूर संघ के जे अखन शंकर ठाकुर सोनार जे अध्यक्ष छथिन हुनका अंतर्गत में सम्पूर्ण सदस्यता लऽ कऽ चलि रहल छै मार्केट में। तैठाम चोरा कऽ नुका कऽ घर में जाकर ऑफिस में जाकर कि फील्ड में जाकर एकटा अध्यक्ष जकरा कोनो व्यवसायी मान्य नहि दऽ रहल छै ओ 40 संबंधित में दोस्त में रिलेशन में ज कास्ट में मिलाकर अपन जैसे संस्था खड़ा केलकै ओकरा मान्य केओ नहि देलकै ओ अपन चाय दोकान कऽ रहल छै ओकरा ई रिक्शा पेशा सेहो नहि रहि गेल छै जकरा पेशा नहि छै ओहि पेशा के दर्द की बुझतै। ताहि दुआरे एहिठाम जब सही कऽ कऽ अयलै यऽ तऽ एहिठाम निकाय के जब बाँटऽ लगलखिन रेट चार्ट लिस्ट तहन जैसे मूर्ख सब मूर्ख के दिमाग खुजलै जे चार्ट बनबेलकै कि जे कि अइ उप महानगर पालिका में ई चीज ई रिक्शा स्थापित भेलै 71 साल में जे नगर पालिका माइनेट केलकै ओहि माइनेट के पूरा कार्यक्रम नहि कऽ सकलै एकेटा चीज के अहाँ एकेटा जिला में 9 माइनेट करबै आ कार्यक्रम जारी नहि पूरा कर सकबै ओहि के लेल पीड़ित बहुत भ गेलै आ ओहूमे पेशा रिक्शा सब नीच वर्ग के पेशा सब पुअर घर के आदमी ओकरा सबके दिक्कत बुझेलै तब ओ सब आक्रोश भ कऽ आइ 12 में हमसब गाड़ी नहि चलेबै लेकिन हम एहि बात के निर्णय ठोस लेबै जे ई केना भेलै जे कि रोड नहि छै पार्किंग के जगह नहि छै कते गाड़ी एहि शहर में चलती ओहि चीज के यकीन नहि छै आ पहिले रेटे होबक चाही बच्चा के जन्म लै छै घर के रखै छै तहन नाम धरै छै तऽ नाम छैहे नहि जे चीज कतऽ रहतै कतऽ चलतै आ पहिले रेट बना देली। हरिनंदन जी शुरुआत में रेट निर्धारण भ गेलै तथा एकटा आरोप छै जे दूटा संगठन छै ई रिक्शा के एकटा संगठन के प्रतिनिधि के मात्र बजा कऽ ई डिस्कशन जे छै चाहे निष्कर्ष जे छै ओ फाइनलाइज कयल गेलै। जी ई कालखंड में हमने सार्वजनिक केलियै सार्वजनिक से करे से पहले लगभग 2-2.5 महीना से हमने एहिमे एक्सरसाइज करते रहें एहिमे यहाँ के जो युवा यहाँ के पत्रकार बुद्धिजीवी लगायत विभिन्न ई दू गो जे कहलखिन ओ दुनू के
चार गो पाँच गो प्रतिनिधि के बोला के हमने पहले दो गो छलफल कर लिया हमने आंतरिक कि कहाँ किससे कहाँ के भाड़ा कितने होके चाहिए वो छलफल आंतरिक छलफल करके ओमे सब गोरा के सहमति भेले तब एक हमने यातायात व्यवस्थापन समिति होइ छै एगो प्रमुख जिला अधिकारी जी के अध्यक्षता में तो वही मीटिंग में हमने एक ले जाके व्यवसायी भी ओमे के संलग्नता में एक हमने पास कर लिए तो वो पास कैला के बाद कार्यक्रम हम एक सार्वजनिक कैली आ जे इन कहलकन कि अब भाड़ा पहले ही भाड़ा तो कोनो भी काम होइ छै तो चरण वाइज होइ छै सभे काम या सब चीज हमने चाहबे कि एके बैसार में बैठ के समस्या का समाधान कर ली तो वो शायद हमरा बुझाएगा कि कभी भी संभव न होते तो वही के लिए चरणबद्ध रूप से समस्या का समाधान कर जाए तो वही में एक यहाँ बहुत जन गुनासो भेले कि ठगी होइ छै जे जनकपुरे के आदमी छै उनका जानकारी छै तो उनका ठगे में मुश्किल छै लेकिन जे बाहर के आदमी आबै छै तो बहुत ठगी के कम्प्लेन सब विभिन्न साथी सब से जनकपुर से कि यहीं के भद्र वाला आदमी से लेकर हमनियों के कार्यालय में अबित रहा कि पैसा बहुत ले लेती पैसा बहुत ले लेके बहुत छाव में से विवाद टेम्पू चालक से वो पैसेंजर से भी विवाद झगड़ा झगड़ा के वातावरण भी बनी रही तो एक नंबर में पहले रेट लिस्ट तोके के हमने के बात भले वही के बाद एक हमने सब बैसार बैठ के तब एक कार्यक्रम में फाइनल तो एक हफ्ता पहले भेल रही लेकिन कार्यक्रम में सब होमवर्क करके तब एक हमने सार्वजनिक कैली। उपेंद्र जी अपने यातायात कार्यालय के प्रतिनिधि करे टाइल छी मैकेनिकल इंजीनियर छी यातायात कार्यालय सेहो एहि पर ध्यान नहि देलकै कि जे दूटा संगठन से दुनू संगठन के प्रतिनिधि के बजायल जाय तथा रेट निर्धारण करय के मापदंड की राखल गेलै राखल सामान्यतः रेट निर्धारण के बात जे कहलियै अपने गाड़ी के आयु देखल जाइ छै सवारी के आयु देखल जाइ छै आयु देखला के बाद में ओकर रोड के सुविधा केहन छै पैसेंजर बुक वाला सीट के संख्या कते छै केहन किस्म के गाड़ी ठूलो सवारी है कि छोट सवारी है कि ओहि पर निर्धारण कयल जाइ छै फ्यूल कते लगतै किलोमीटर विशेष करके मेन फ्यूल पर रहै छै फ्यूल पर किलोमीटर में कते फ्यूल खपत होते ओकरो कॉस्टिंग जोड़ल जाइ छै ड्राइवर के सहचालक चालक सहचालक सब कॉस्टिंग ओहिमे जोड़ल जाइ छै ताहिके बाद एकटा भाड़ा निर्धारण समिति के बैठक बसै छै ओहि बैठक में बसला के बाद में भाड़ा के तय कयल जाइ छै तय होइ छै से केन्द्र से होइ छै हमसब ध्यान नहि देली से बात न है बेला बेला में अनुगमनो जाइ छी हमसब अनुगमन में जाइ छी तऽ रिक्शा वाला के चालक सब के देखै छी निजीयो में भाड़ा लेके चला रहल छी ओहि सम्बन्ध में हमसब ट्रैफिक से सेहो समन्वय कऽ के हमसब बीच बीच में कहने छी चेक जाँच करू कोनो भाड़ा में नहि जाता तकरा भाड़ा में जाता करे के लिए यातायात में पठायल जाउ ओहिसे की होते सहजीकरण भाड़ा में होते तो ओहिसे एकटा रूटो निर्धारण रहे कतऽ कतऽ पार्किंग रखल जेतै ओहि पार्किंग के व्यवस्था कयल जेतै पार्किंग के व्यवस्था भऽ गेला के बाद में अभी एना होइ छै रिक्शा चलबै रहै छै हमहूँ सब जाइ छी कहियो काल रिक्शा में बैसे के मन करै छै जाइ छी भाड़ा अनावश्यक कहि देलक तो ओहिपर हमसब गौर कैली गौर कैला के बाद में क्रॉसिंग जिया न करे के होइ छै ओहिठाम क्रॉसिंग कऽ देलक अनावश्यक रूप से जाहिठाम भीड़ भाड़ देखलक ओहिठाम टेम्पू लगा देलक तऽ एहि सबके लेल तऽ समन्वय कऽ के हमसब बात बात में जहिया से मिली डेढ़ वर्ष भऽ गेलै तहिया से हमसब ट्रैफिक से समन्वय कऽ के हमसब कार्य कर रहल छी अभी एके बेर देखे वाला बात नहि है सुधार होइ छै सुधार होला के बावजूदो हमसब जेना ट्रैफिक से समन्वय कऽ के भाड़ा निर्धारण के समय में एक हफ्ता पहले बैठक बैसल रहै छी कार्यालय भाड़ा के जो यदि बात करी तऽ रेट लिस्ट जे छै दर्शक सबके देखाबऽ चाहब जे रेट लिस्ट तय कयल गेल छै ओहिमे शायद चौक के हिसाब से फाइनलाइज कयल गेल छै एकटा चौक से दोसर चौक गेला पर पर चौक 5 रुपया के छै तऽ ई नहि बुझाय जे स्टैंडर्डाइज कनी नहि भेलै किलोमीटर हिसाब से एकरा तय करल जाय चाही विभिन्न जगह पर जनकपुर महानगरपालिका के बात करी अन्य अन्य जगह के बात करी कतौ दूटा चौक के बीच के जे डिस्टेंस रहै छै ओ कम रहै छै कतौ बेसी रहै छै तऽ किलोमीटर हिसाब से केला मे नहि बढ़िया रहत किलोमीटर के हिसाब से स्थानीय मे भीतर नगरपालिका के भीतर मे खास कर किलोमीटर कहबै तऽ ओ नहि कला तक कतौ भाड़ा कम भऽ जेतै कैला किलोमीटर के हिसाब से बाहर के लॉन्ग रूट के जेना जिला के रोड के नेशनल हाईवे के एहि सबमे जे किलोमीटर के हिसाब से कयल जाइ छै एहि सबमे व्यापारी के जे चलाबै वाला है ओकरो मार्का नहि पड़े गाड़ी के मार्का न पड़े सब चीज मार्का नहि पड़े ताहि हिसाब से कयल जाइ छै तथापि नगरपालिका के केस जे कहबै अखन रोड सब संचालन मे नहि छै पूर्ण रूप से संचालन मे नहि छै
एहिठाम किलोमीटरके हिसाबसँ करैवला कन्डिशन नहि छै, चौक सब नजदीक नजदीक नहि छै, चौक सबके कयल गेल सबके सहमति जोड़ चाहै छी। अब किलोमीटरके हिसाबसँ अब जैसे कि टैक्सीमे मीटर रहै छै तऽ हमनीके टेम्पोमे तऽ मीटरवला सिस्टम नहि हय, मीटर यदि लगाबी तऽ एके ओ मीटरके हम पता कैली जेनाकि 20-25 हजार रुपैआ लगै छै तऽ ओ कॉस्टली भी छै कि तऽ ओ मीटर हमनी नहि लगा सकै छी। आओर रोडमे यहाँसँ यहाँ तक लेके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ओहन मार्किंग भी नहि हय तऽ ओहिके चलते ओ फिजिबल नहि हय कि किलोमीटरवला। आओर सबके आदमी किलोमीटर तोकिएके नहि होतै, कैलाकि एहि चौकसँ ओहि चौक, ओहि चौकसँ ओहि चौक जाइवला अवस्था बनै छै पैसेंजरके, तऽ ठैकके आदमीके जानकारी रहब जैसे 0 माइल छै रावणल चौक तऽ किलोमीटर करतै तऽ मीटरके आवश्यकता पड़तै, आओर मीटर तऽ नहि हय यहाँ तऽ न हय तऽ चौकसँ चौक करके सजिलो होतै कहके हम मिलतै। मनोज जी एहिमे कतेक सहमत छी, रेटके लऽ कऽ तऽ अहाँसब बिल्कुले सहमत नहि जना रहल छी, ओहिके विरोध छै, की कारण अहाँसब ई रेट नहि मानऽके लेल तैयार छी? एहिमे सर्वप्रथम एकटा बस पार्कसँ 93-94 कि 100 रूटके आदमी अबै छै, मेन मुहान बस पार्क होइ छै, तऽ ओहिमे एहिठाम तऽ चारिठाम बस पार्क एहिमे चढ़ै आओर कहतै हम कवर हॉल जाइ तऽ ओकरा एहिमे उल्लेखित कयल नहि छै। तऽ चौक पहिले सर्वप्रथम जगह जाहिठाम हमर जनता आवत जावत करै छै ई रिक्शासँ ओ छूटल छै। दोसर महीमे शब्द जेकि किछु पर्यटक सेहो अबै छै जनकपुर, जे धर्मशाला धर्मशालामे रहै छै आओर भोरमे कहै छै धमसा धाम एहिसँ जेबो, चाहे 11 मन्दिर आओर 2 तलाव जे कोन प्रसिद्ध छै ओ हमरा सबके देखाउ। ओहूठाम जेना सर कहलखिन जे बेसी लै छै चाहे मारि भऽ जाइ छै तो वास्तविकता होइ छै, तऽ जब रेटे अपने निकाललियै सब निकाय मिलकऽ तऽ जाइ छै एकटा मात्रे स्वयं अध्यक्षके छोड़िकऽ जे ओहे एकटा छलै व्यक्ति मेका जे ओकरा एहिठामके व्यवसायी मानै छै हुनका नहि बजाकऽ आओर जाइ छै कार्यक्रम भेलै तऽ ओहिमे बहुत शब्द छूटि गेल छै, चौक छूटल छै, रेटमे तऽ जाइ छै ओना 5 रुपया छै तऽ 5 रुपया एखनके युगमे नहि होबक चाही युग अनुसार, ताहि अनुसारमे हम देख रहल छी जे एहि रेटके लेल हमसब जे विज्ञप्ति देलियै ने ओहिके 2 दिनके अंदरमे हाँ एकके फेर ठगीके बात जे अबै छै जनता द्वारा पर्यटक द्वारा तऽ ओहिमे अहाँ सबके संस्था कैले नहि निर्धारण कयल जाइ छै जे ठगी जे हेतै तऽ कहीं ने कहीं अहूँ सबके व्यवसाय पर तऽ प्रभाव पड़बे करत। एहिसँ पहिले सर जे 71 सालमे जे हमसब नगर पालिकाके जे माइनेट अनुसार जे देखलियै क्रियाकलाप जे ओ केने रहथिन जे पहिलो चरणमे 500 गाड़ी चलने छ, 4 रूटमा चल्ने छ, यो रेट रहेछ र पार्किङ दिने छ, त्यसमा 4 बुन्दामा हामी मुद्दा तर्फ गइदिए रुटको लागि कि होइन रिक्सा भनेर यो वैज्ञानिकले पठाएछन् यसलाई रिक्सामा साबित गरेर उसलाई चलाउनु पर्ने घर दैलामा चल्छ यसलाई रुट हुँदैन, हामी मुद्दासम्म पनि गइसके। अब हजुर यहाँ कुरा आयो के कि त्यो माइनेटलाई पुरा नगरेर फेरि यो 4 जुन बनिया छ त्यसमा चौक रेट छुटिया छ, अब हामी ठाउँमा जाँदाखेरि यहाँ पैसा लेखिया छैन कुन आधारमा लिने, त्यसकारण यसलाई सच्याएर पुनः अर्को रेट बनाएर हामी मात्रै सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। म पहिला हरिनन्दनजीसँग यही प्रश्न खोल्नु छ, त्यसपछि म तपाईँ लिएर आउँछु। हरिनन्दनजी चौक सब बहुत छुटल छै सब कहि रहल छन्, ताहिके बाद घर दैलोमे सेहो जा पड़ै छै, गली सबमे जा पड़ै छै, ओहिके हिसाबसँ ई पॉसिबल नहि देखल जा रहल छै कहि रहल छ रेट लिस्ट फॉलो केनाइ। तऽ रास्तामे यदि टेम्पू चलतै तऽ हरेक व्यक्तिके घर घरमे ले जेतै या ओ पैसेंजर कहती हमरा घरमे पहुँचा दू तऽ ओ अलग बात छै, ओकर भाड़ा निर्धारण नहि कयल जा सकै छै, जब तक मीटर नहि रहतै गाड़ीमे तब तक ओ निर्धारण करेला बहुत मुश्किल छै, ओ सम्भव नहि छै। आब चौकसँ जैसे कि बस पार्कसँ चढ़तै तऽ बस पार्कसँ अपनेके भानु चौक जाय पड़लै तऽ अध्यक्ष जी कहै छै कि भानु चौकके डायरेक्ट भाड़ा नहि छै तोकर, तऽ ओ तऽ खण्डितकृत कहके एहिमे छै कि ओहिमे जोड़िते जोड़िते जाइके पड़तै, उदाहरणके लिए अपनेके बस पार्कसँ रामानन्द चौकके कतेक भाड़ा छै आओर रामानन्द चौकसँ भानु चौकके कतेक छै, तऽ दुनूके प्लस करके एकटा निकालैके पड़तै कि आब एतेक चौक छै आओर एतेक बड़का बाजार छै कि सब चौकसँ एकेबारे डायरेक्ट यहाँसँ वहाँ तक लैके भाड़ा कतेक तऽ ओ सम्भव नहि छै कि, तऽ ओकरा प्लस करते जाइ पड़तै कि, तऽ एहिमे बुझनाइ भी जरूरी छै, बहुत साथी सब एहिमे नहि बुझले छै एकरा। गोपेन्द्र जी अपने किस तरह
की कह जाए जैसे क्योंकि शुरुआत जो कोनो काज होइ छै शुरुआत में सब चीज के डिफाइन न रहै छै कि तो प्री डिफाइन कयला के बाद में की समस्या आबै छै हम सब जना सब आदमी मिल के बैसक बैठली भारत विधान समिति के एकटा बैठक बैसले बैसला के बाद कोनो आदमी छुट्टी गेलै तो कोनो बड़का बात नहि एकटा इशू बनाके कोनो बात नहि नहीं लेकिन एक छोट समूह के यहाँ बजा ले बड़का समूह रिक्शा चालक उनका नहीं बजा लेकिन उनकर संस्था के एक उनका डिसीजन के सब नहीं मानता सब नहीं मानता वो अलग बात है लेकिन उनकर संस्था के भी आदमी में बदल गया ओहि में की होइ छै अपने ठीक है अपने नहीं गेलिए ओकर बात बुझेल जेतै ओकर बात बुझे के लेल कार्यान्वयन में अति तब न कैठन इहो तो हमहूँ सब जो कहले छी जनते के लिए कहले छी जनता के सहूलियत होए जनता के ठगी नहीं पड़े मारका नहीं पड़े तही के हिसाब से कहले छी ओहि में हम सब एकल निर्णय कर देती तो अलग बात रहले आज चीज इहो बात सीडो साहब के अध्यक्षता में भेल छी बात समिति कोनो निर्णय कैले हैं तो वही तो निर्णय नहीं कैले होते ओहिमे सब आदमी के रहे आ कोनो आदमी छूट जाए छै कोनो संघ छूट जाए छै संस्था छूट जाए छै तो ओकरा फिर अपन कोनो असंतोष में बहुत जगह पर विरोध यातायात व्यवस्था करा ले अपने असंतुष्टि है जना ट्रैफिक में असंतुष्टि है ओहि के लेल एते दिन रखू हमरा सबके मीटिंग रखू एगो होइ छै ना कोनो मीटिंग रख के असंतुष्टि ओ लिख के देते तो वही में न देखल जेतै ओ अलग बात फेर समिति के छलफल कर सकै छी फेर समिति निर्णय कर सकै छी लेकिन कार्यान्वयन न कह के शुरुए में विरोध करना ये हमरा हिसाब से यातायात के हिसाब से ठीक नहीं कहला तो सुधार के पक्ष में जा रहा है सुधार के पक्ष में भाड़ा निर्धारण के लिए जनता के लिए कहिए पब्लिक सेवाग्राही के लिए कहिए सेवाग्राही ठगी में नहीं पड़े मरका में नहीं पड़े आ विशेष करके इनको सबको की सलाह देवे जिते भी रातों प्लेट में जो चल रहा है सबके तुरंत कैलकुलेट करवावे कि इनका सबके दायित्व से हो यातायात में ले जाए जनचेतना करके उनका सबके लाइसेंस वितरण करावे के विषय है लाइसेंस सवारी चालक अनुमति पत्र नहीं बिना बुक नहीं चलाएगा तो फिर आदमी वहन पकड़ाई से कोने जाकर रुक देना तो वो जनचेतना कार्यक्रम में इनको सबको दायित्व है यातायात ट्रैफिक मीडिया सस्ता देखला से इनको सबके कार्यक्रम में सहयोग करें दर्शकवृन्द एखन हमरा सबके एकटा छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के तरफ अग्रसर करब होते एहिके बाद ई रिक्शा के व्यवस्थापन तथा जे मुद्दा छै ओहि पर चर्चा परिचर्चा जारी रहबे करतै एखन व्यवसायिक व्यावसायिक विश्राम के बाद पुनः स्वागत अछि प्राइम टाइम में दर्शकवृन्द आइ के चर्चा जनकपुर महानगर पालिका लगायत विभिन्न क्षेत्र में ई रिक्शा पर निर्धारण कयल गेल रेट के संबंध में तथा ओहि रेट के विरोध में उतरल ई रिक्शा व्यवसायी सब के बारे में आज बातचीत कर रहल छी ओहि के साथ में तीन जना अतिथि छथि फिर से अहाँ सबके जानकारी करा दी ई रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि छथि हमरा सबके साथ में मनोज झा तहिना जिला ट्रैफिक के इंस्पेक्टर छथि हरिनंदन चौधरी तहिना यातायात कार्यालय के प्रतिनिधि बनि के आयल छथि मैकेनिकल इंजीनियर उपेन्द्र यादव जी मनोज जी जेना रेट लागू भेलै अहाँ सब कहि रहल छी हमर सबके संस्था के व्यक्ति नहि गेलक लेकिन अन्य अन्य संस्था के गेल छै ओतय डिस्कशन भेलै रेट निर्धारण भेलै तऽ बार बार कहि रहल छथि दुनू जना एक दू दिन कार्यान्वयन होबय दितिए ओकरा देखितिए कि केना असर पड़ैए अहाँ सब पर फायदा भऽ रहल अछि कि नहि भऽ रहल अछि आ ताहिके बाद ओहिमे बदलाव लायल जा सकै छलै अचानक सीधा विरोध पर उतरि गेलिए कैला उतरक कारण भऽ गेलै जे कि एहिमे नोट दऽ कऽ जे लिखने छथिन निकाय सब निर्णय केने छथिन जे कि ई रिक्शा पर चढ़तै एगो जनता तऽ ई 5 रुपया के जे भाड़ा छै तऽ ओहिठाम एक आदमी चढ़तै तऽ ओकरा 20 रुपया लेबै अहाँके 4 गो सीट के डब्बा मँगबै यदि टेम्पू पर चढ़तै तऽ 3 आदमी के ओकरा इजाजत छै तऽ 3 आदमी के भाड़ा मँगतै वएह काल्हि ई चीज लागू भेलै ई सब प्रसार भेलै सबके हाथ में गेली रिक्शा व्यवसायी के और मोबाइल एम्हर ओम्हर सब तरह जे प्रसार भऽ गेलै तऽ जैसे जनता कते के कालर धलकै आइ मिलसरिया में जेकि एक आदमी में हम अभी चलियो तो 20 रुपया दै छै तू अब जोड़ी छै तऽ जैसे 80 रुपया मांगै छै 60 रुपया मांगै छै जेना रामेनंद चौक पर एको आदमी रहै छलै तऽ हमसब 20 रुपया में लऽ कऽ अबै छलियै आब नोट के आधार पर यदि हम कहबी जे 4 आदमी के ला तऽ 80 रुपया में एतै
तो ओहिठाम जाइ छै नगरे बसमे दुख कके एतै दस रुपैआमे एतै रामांचौक उतरि जेतै हॉस्पिटल जानकी मन्दिर देवी चौक रिजर्व के केसमे लिखल गेल छै ने जे रिजर्व केला पर ई रिक्शामे रिजर्व हेतै तऽ एगो व्यक्तिसँ अहाँ चारिके दाम लेबै मानि लियौ बीच रस्तामे यदि केओ जा रहल छै तऽ अहाँ शुरूमे केना चारि टाके दाम माँगि सकै छियै अहाँके रस्तामे तऽ आरो आरो सेवाग्राही सब सेहो भेट सकै छथि ने नहियो भेट सकै छी ने सर रस्तामे गेलाके बाद घटनो भऽ सकै छै बिगड़ियो सकै छै एके आदमी के हम यदि पाँच रुपैआमे लऽ कऽ पहुँच जाय जगह तै ओ तऽ एके चौक तक के अहाँके रेट ने ओहिसँ आगाँ तऽ फेर दाम अहाँ थपि सकै छी एक चौक तक पाँच रुपैआ ताहिके बाद दस रुपैआ आ शुरूएमे यदि अहाँ एक जगहसँ दोसर जगह जेबै आ ओकरासँ चारि टाके दाम जे मंगबै रिजर्व तऽ व्यक्ति एक चौकके लेल रिजर्व नहि करतै रिजर्व तऽ करतै कनि लॉन्ग डिस्टेंसके लेल तऽ से बात अहाँ सबके बुझऽ पड़तै एहिमे तऽ प्रश्ने केने छथिन कि जी एक जना चढ़ाउँदा केरी चारि जनाको रुपैआ लिने रोकेर म भन्छु यो यो कुरा यी बात उहाँ टेम्पू चालक साथी सब नै बुझन्छ यी रिजर्भके केसमे मात्रै छ ऊ केस मानौ रामानन्द चौक चाहिँ एयरपोर्ट जाय पर्ले तऽ रिजर्भ जतै न ओकरा पास दुगो झोला रहतै ऊ एक आदमी या दू आदमी रहतै तऽ ऊ रिजर्व कराके ले जेतै न तऽ रिजर्व कराके ले जेतै तऽ ऊ ओहिमे दोसर पैसेंजरके थोड़ी चढ़ा देतै तऽ ऊ तीन आदमी या चार आदमीके भाड़ा लेतै ऊ टेम्पू चालक लेकिन जब यहाँसँ कहूँ जतै बीचमे दोसर पैसेंजर रखतै तेसर रखतै केकरो उतारतै तऽ ऊ तऽ नॉर्मल जे भाड़ा छै एक आदमीके तऽ ओहि हिसाबसँ भाड़ा देतै न तऽ ई बात बुझनाइ जरूरी छै आओर कोइ भी चीजके प्रैक्टिस कयलाके बाद पता चलै छै कि ई बढ़िआँ छै या खराब छै एहिमे कथी कथी सुधार कयल जाए तऽ टेम्पू चालक साथी सब या ये अध्यक्ष जी ईसब तऽ जब लागुए न होइ देलकै तऽ पता केना चलतै कहाँ की समस्या छै ई तऽ कोनो बड़का काम नहि छै कि एकर सुधारे नहि हेतै पहिले ई कमतीमे एक हफ्ता दस दिन या एक महीना एकरा लागू करतै लागू कयलाके बाद एहिमे समस्या देखल गेल छै ई फलाना चौक छूटल छै तऽ ओहिमे थपल जेतै करेक्शन कयल जेतै जब लागुए न होतै तऽ केना पता चलतै आ एकर जे टेम्पूमे काला प्लेट आ लाल प्लेट दूगो होइ छै लाल प्लेटके मतलब भेलै कि ओ निजी टेम्पू छै ओहिमे पैसेंजर दोसर आदमीके पैसेंजर बैठाके ओ नहि ओकरा ट्रैवल करा सकै छै ओ व्यक्तिगत प्रयोजनके लेल छै आ एहिमे आइयोके आन्दोलनमे या अगाड़ी भी ओ सब लाल प्लेटमे पैसेंजर ढोके गैर कानूनी रूपसँ जे गैर कानूनी छै बिना लाइसेंसके लाल प्लेटमे पैसेंजर लेके चलनाइ खुद गैर कानूनी छै आ उहे आदमी आइ अगर विरोध कर रहल छै अपने सिस्टम बैठाओ एहिमे कुछो करेक्शन करैके हइ तऽ करेक्शन करबाओ एगो सिस्टम बैठाओ जैसे बाहरके कोइ पैसेंजर हेतै धर्मावलम्बी हेतै तऽ ओकरो भी कोनो ठगीके बात नहि होइ तऽ ओ बात सब भी व्यवस्थापन करबाओ तऽ ओहिमे ध्यान नहि छै आ शुरूएमे लागुए नहि भेलै तहले विरोध उपेन्द्र जी लाइसेंसके बात अपने पहिले उठेने छलियै आ ई बड़का मुद्दा छै अहूँ कहलियै काला प्लेट लाल प्लेट हरिनन्दनो जी कहि रहल छथिन एहिके अलावा एहि बीचमे सेहो देखऽमे आबि रहल छै जे ई रिक्शा होइ चाहे टेम्पू जे होइ छै बाल बालिका सेहो चला रहल छथि जे छोट छोट बच्चा होइ छै शायद पन्द्रह सोलह एजके ओहो किछु किछु देखल जा रहल छै लाइसेंसके बारेमे की कदम उठाबऽके तऽ चाही शायद कैला तऽ चालक असगरे नहि रहै छै हुनका साथमे पैसेंजर रहै छै अन्य अन्य जानके भी हुनकर रिस्क रहै छै लाइसेंसके सम्बन्धमे की स्टेपके सम्बन्धमे हमसब बीचमे टेम्पू सङ्ग आओर रिक्शा सङ्गके जते भी पदाधिकारी ओकरा सब हुनका सब बोलाके हमसब आयल छलखिन हँ कि हमरा सबके लाइसेंस नहि पुगि रहल छै हमरा सबके जते भी रिक्शा चालक सब हइ ओकरा सबके लाइसेंसमे समस्या भऽ रहल छै ओहिमे इंस्पेक्टरो साहबके स्पेशल आग्रह रहै कि हमसब जते भी अनुगमनमे जाइ छी बिना लाइसेंसवला टेम्पू भऽ रहल छै से लाइसेंसके खोलैके लेल आ परीक्षा समितिके सदस्यके हैसियत वहाँ इंस्पेक्टर साहब सेहो छथिन तऽ हुनको आग्रह रहै कि एकबेर खोल देल जाए तऽ हमसब बोलाके टेम्पू सङ्ग आओर रिक्शा सङ्गके जते भी हइ ओकरा सबके कहली आवेदन करू अपनेसब जते भी अपने सबके खोजके एकबेर छलफल करू छलफल कयलाके बाद हमरा सबके यातायात कार्यालयमे आउ हमसब सहयोग करब तेही केसके कारणसँ बीचमे एकबेर खुललो रही हमसब तऽ ओहिमे अपनेके एक डेढ़ सए शायद फॉर्म भरने रहनि फॉर्म भरनामे ओहिमे पचास साठि जते होइ ताहि सबके हमसब लाइसेंस वितरण कयली जे सब चलाबै जानल आब जे लाइसेंस लेत एक्चुअल प्रैक्टिकल बात हमरा की लगैए हमर अपन बाबु जेना लाइसेंस लऽ लै छै आवश्यक जकरा छै जे चलबै छै से डायरेक्टली यातायात कार्यालयमे नहि पुगै छै जे सब रहर छै मान लिअ ले लै छियै हम कहियो भविष्यमे चलायब तेहन व्यक्ति सब विशेष करके लाइसेंस ले लै छै तऽ ओहिमे वास्तविकमे हिनका कहलियै कि पहिले नामाकरण बनाउ लिस्ट लेके यातायात कार्यालयमे आउ
हम अपने सबके सहयोग कर देबै, लाइसेंस में सहयोग कर देबै। लाइसेंस के प्रक्रिया होइ छै हमरा सबके, एकटा समिति होइ छै, लिखित होइ छै, ट्रायल होइ छै, ओ प्रक्रिया अंतर्गत पास होइ छै, तकरा हमरा सबके कानूनी लाइसेंस दै छियै। तऽ ओ ओहि चीजमे हमसब बीच बीचमे बैठको बैसले रहियै, फेर ओहि दिन बैठकोमे हमसब ई बात कयले रहियै, इंस्पेक्टर साहब जरे हमसब हुनका से राज कथी नाम छै हुनका श्री प्रसाद जी जरे गप्पो कयने रही कि फेर एक बेर लिस्ट लाउ, अपनेके लाइसेंस नहि पूरा रहल छै तऽ हमसब लाइसेंस देबैमे अपने सबके पूर्ण सहयोग करब, से सब हमसब कहने छियै। एते तक हमरा सबके प्रोसेस लाइसेंस सम्बन्ध आओर विषय मनोज जी, आइ विरोध प्रदर्शन के लिए अपने सब अल्टीमेटम सेहो देली 48 घंटा के, ओ सब कहि रहल छै जे किछु दिन लागू होबऽ दियौ, ताहिके बाद समस्या सब एतै, अहाँ सबके पैसा मे की केना दिक्कत होयत, ताहिके बाद निर्णय कयल जा सकै छै, छलफल कयल जा सकै छै। 48 घंटा तक ई रिक्शा बंदे के निर्णय केला कऽ लेलियै, एतेक मास केला आइ जमा भऽ गेलै अचानक सँ, अन्य अन्य आरो की समस्या झेलऽ पड़ि रहल अछि, कैला बुझाइए जे फायदे नहि हेतै अहाँ सबके ई रेट लिस्ट के कारण सँ। रेट मे सर एहिसँ पूर्व जे पाँव पैडल रिक्शा चलै छलै जे 10,000-5,000 मे भेटै छलै, ओहि पर 2 सवारी बैसै छलै, ओहि पर 2 बैठै छलै, तऽ बस पार्क सँ जानकी मंदिर 50 रुपया लै छलै, तऽ हमसब जे संस्था द्वारा जे चार्ट रही बनेने ताहिठाम देश के किछु ई जे बंदी संधि जे बढ़लै ओहिमे जे से नगर के काम स्थगित भेला के कारण हाँ जैसे एहि पर केओ नहि निकायो ध्यान देलखिन, आ हमसब अपने 400, 450, 600 गाड़ी तक चलली, तहिया कोनो किछु आवाज नहि अयलै और जनता के सेवा बढ़िया भेलै। वास्तविकता अखन घट बढ़ होइ छै, उचितो रेट लै छै, कमो लै छै, ताहि दुआरे रेट तऽ निकलनाइ जरूरी छै, लेकिन जे रूप में निकललै यऽ ओहि रूप में एहि गाड़ी वाला सक्सेस नहि कऽ सकै छै, जनता के जे है से सुख नहि दऽ सकै छै, कहियो ओहिसँ ओ आगा नहि बढ़ि सकै छै, कारण एहि गाड़ी मे 3 लाख 2.5 लाख 2 रंग के गाड़ी छै, एजेंसी लऽ रहल छै, ओहिठाम अपने के यातायात मे जे लाइसेंस के प्रक्रिया छै ओहूठाम एहिठाम 60% पैसा रिक्शा, तऽ रिक्शा मे 60% मूर्ख छै, ब्रेन छै, नेपाली नागरिक छै, सही से गाड़ी चलबै छै, लेकिन लाइसेंस के की प्रावधान छै लिखित सर्वप्रथम, अब लिखित मे ओकरा अंगूठा छाप छै, अब ओ चला रहल छै रिक्शा, लेकिन एहिठाम जे है से जाइ छै 9 बेर फॉर्म भरै छै आ ओकरा जे है से नहि किछु अबै छै लिख, ओ फेल भऽ कऽ घर अबै छै, रकम ओकर चलि जाइ छै, समय ओकर व्यतीत भऽ जाइ छै, तऽ कोन प्रावधान सँ एहि मूर्ख के पेशा के कोन आधार सँ जे से हम देबै लिखित के, एकटा ट्रैक्टर जे प्रावधान छै ट्रैक्टर के ट्रायले लऽ कऽ जेना दऽ रहल छै प्रशासन न्याय यातायात, तहिना अहू के एकटा ट्रायले के हिसाब मे ट्रायलो के सेंटर जे बनल छै ओहूठाम हम कहलियनि जे टीचर बना ले के बुझिन छ की बुझै छियै, जे कि मान लिया अपने के विद्यार्थी के अहाँ संतुष्टि नहीं दे सकलियै तऽ अहाँ टीचर कथी के भेलू, यदि ट्रायल सेंटर बनेलिए जे सर ओ कोनो एजेंसी के गाड़ी लऽ कऽ जाहि अनुसार जे छै सब सर बैठ कऽ ट्रायल लऽ रहल छथिन ओहि अनुसार अपने पास कऽ के देखा दिअ, तकरा बाद समस्त व्यवसायी जे छै ओहिठाम पास करतै, लेकिन ओहूठाम आवाज नहि उठलै, ओहूठाम ई फेल भेलो ई भेलो ई भेलो, तऽ ओहिठाम लाइसेंसो मे दिक्कत भऽ रहल छै, प्लस रेट मे जे छै ई 5, 10, 15 के रेट मे आइयो झंझट भेलै यऽ, प्लस जे है से नहि चलतै सर जे पुरना रेट जे 10 साल पूर्व जे नगर मे चलै छलियै जे जनता के सेवा करै छलियै ओहिसँ जल्दी पहुँचऽ वाला नीक आरामदायक एक परिवार एकेटा गाड़ी मे, यानि कि 5 नरक नगर बसो बंद भऽ जाइए, लेकिन ई भी 9:30 तक भिठा मोड़ के गाड़ी अबैया पूरा पश्चिम से अबैया, तो जनकपुर के लिए सेकंड एम्बुलेंस भऽ के दौड़ रहा है। अच्छा, तो किछ रेट के किछ तो निर्धारण कयल जाके चाही, मिनिमम रेट चाहे मैक्सिमम रेट किछो तो निर्धारण अहाँ सब करबै, जँ समस्या बुझायल गेलै तै पर तो समाधान ई रूप में आयल गेलै, 5 रुपया पर चौक यदि अहाँ सबके नहि मंजूर अछि अहाँ सबके मांग कतेक लेबऽ चाहै छी, एक चौक सँ दोसर चौक के मिनिमम चार्ज कते लेबै अहाँ सब? हमसब सर अब अखन वर्तमान पूरे डाटा नहि कहि सकै छियनि, लेकिन एकटा अंदाज अइ रेंज मे काल्हि करबै, तऽ अहाँ सब तऽ ले रहल छी ने, तऽ वएह कहि दियौ ने कतेक ले रहल छी, कतेक अखन लऽ रहल छी? अब अखन जे है से रामानंद चौक हमरा सबके 20 छै, एको आदमी के लऽ कऽ हमसब चलि अयली तैयो 20, 4 आदमी छै तऽ 80 रुपया,
25 रुपया हॉस्पिटल 30 रुपया जानकी मंदिर 40 रुपया नै त एकटा हेते नै इ त बस पार्क छ यदि यहाँ सके रहछ लेकिन दुटा चौक के जना रामानन्द चौक बजरंग चौक जना छ रामानन्द चौक से बजरंग चौक गेले त 15 रुपया जनता दै छ हां ये 15 रुपया जगह चल गेले लेकिन लेकिन पब्लिक पब्लिक के तरफ से अन्य ने गुनासो सबसे हो आवे छ जी त ओ के लेल अपने के एक बात कहे चाहै छी अध्यक्ष जी के खुशी से त आदमी 200 रुपया भी दे देते ना लेकिन एगो रेट तो चाहिए ना मिनिमम एतेक रेट तो वो रेट तोकना जरूरी है अब अध्यक्ष जी कहे कि बिना परीक्षण कैले ये रेट गलत है कोई भी चीज तो परीक्षण हो पड़े ना तब ना पता चलते कि ये गलत है कि सही है लाइसेंस के प्रक्रिया के बारे में केना सहजीकरण कैल जा सके इनका सबके लिए कोनो तेन प्रावधान जना सब कहे छथिन जे लिखित परीक्षा बाय चांस संभव नहीं है लेकिन रोजी रोटी चलावे के माध्यम से एक संबंध में हम कले पहले बोले चाहे छी मतलब हम कनिए संबंधी हम मंत्री पूर्व मंत्री जी से पहले गप करने रहिए पहले अपने के वस्तुगत प्रश्न दूटा छले रिटेन के बात कर रहल छी वस्तुगत में अपने हाथ से लिखे पड़ी रहले तो वही संबंधी में बहुते देख ली हम सब हमरा सब डेढ़ वर्ष संगे संगे आयल छी मोटा मोटी जिस पर वही टाइम में हम सब सर सलाह कैली कि नहीं बात रखे पड़ले टेम्पू ई रिक्शा वाला सब पढ़ल लिखल न हो सब मजदूरी करे वाला है गरीब आदमी है इनका सबके सहजीकरण के उपाय के ते टाइम में हमरा सबके रमेश लेखक भौतिक योजना मंत्री छलखिन वही टाइम में हम सब गप कैली कार्यालय प्रमुख अच्युत रेग्मी रहे उनके साथे गेल रही हम सब बात कैने रही कि ये सब पढ़ल लिखल नहीं है जनकपुर के केस में जेब्रा क्रॉसिंग की है जनचेतना कार्यक्रम न है कोनो चीज न है ते हिसाब से एकरा सबके बहुत दिक्कत होइ छै तो ओहि सबके बारे में विस्तृत बुझेला बुझै छै लेकिन लिखे में समस्या होइ छै ताहि दुआरे रिटर्न के हटाबे के बात कैने रही हमसब लेकिन ओहिमे की भेलै ओहिमे सुधार भेलै ओहिमे की भेलै कि वस्तुगत जते भी रहै लिखे वाला ओ लिखे वाला हटा देलकै लिखे वाला हटा देला से आब खाली टिक मारे के तो साधारण लेख पढ़ कर तो जाबे पर ट्रैफिक चिन्ह के रहलै तो ओ तो पढ़े पड़लै ने एहन ट्रैफिक है एहिठाम मोड़बै तऽ साइड लाइट बारे पड़तै साइड लाइट के ज्ञान तो होइ पड़लै ने मिनिमम जे बेसिक रूल्स जे छै चलाबे के लेल चालक के लेल ओ तऽ ज्ञात होइ पड़लै तो ओ करे के लेल तऽ आब तऽ खाली पढ़े जनतै आ दर्ता नंबर आ नाम लिखे जनतै तऽ ओ आदमी पास भऽ सकै छै लेकिन कोनो समस्या नहि टिक मारे के मतलब लाइसेंस के प्रावधान एतै कि नहि ई रिक्शा आ टेम्पू के लेल खुला छै जखनी भी प्रावधान तऽ छीते छै ने ओ लेकिन बिना होल्ड के ने जे चलि रहल छै एखन ओहि पर की कार्रवाई कयल जेतै तब एतेक संख्या में चलि रहल छै मैक्सिमम के पास लाइसेंस नहि छै तऽ हमसब कहले छी रिक्शा संघ के पदाधिकारी सबके कहले छी लाओ लिस्ट लाओ हमसब निकाल दै छी अपन भरू आराम से हमसब के जे सहयोग करे के होतै से मापदंड में है 60 आदमी पास होइ छै आ 40 आदमी फेल होइ छै आ 20 आदमी फेल होइ छै तऽ 60 आदमी तऽ चलाबे ओ सब केना पास भऽ जाइ छै मापदंड यदि हरनंद जी एखन केना मैनेज करै छी अपने सब बिना लाइसेंस के चलि रहल छै कोनो कार्रवाई कयलो जाइ छै कि नहि जाइ छै जी अब एहि के लिए तऽ ई बहुत बड़ा समस्या छै ई ट्रैफिक व्यवस्थापन में ई रिक्शा टेम्पू अतेक ज्यादा समस्या अभी कर रहल छै आ 6 महीना के बाद में ई ठेके से मुश्किल होय वाला अवस्था हम देख रहल छी संख्या बेसी भ गेलै संख्या बेसी दिन दैनिक 20 गो टेम्पू खाली धनसा जिला में थपाय छै अहि हिसाब से थपाइते जतै तऽ 6 महीना के बाद धनसा में की हालत होतै तऽ एहि के लिए हमने चेक जांच के व्यवस्था भी कैले छी ठाँव ठाँव में टेम्पू चालक साथी सबके रोक के हमने प्रशिक्षण भी दै छी ई करू ई न करू दुर्घटना से कैसे बचल जाए बहुत ऐसन बात सब कहै छी जैसे कि अपने लाल प्लेट में पैसेंजर लेके चलै छै बिना लाइसेंस के चलबै छै तऽ ओहि सबके हमने चेकिंग में पकड़ाई छै तऽ ओकनी के कार्रवाई भी करै छी तऽ ओ गैर कानूनी छै यदि एक्सीडेंट भ के कोई आदमी मरि गेलै तऽ ओहन अवस्था में ओ चालक सीधा जेल जेतै ओहन अवस्था आबै वाला एकटा आयल भी छै एकटा केस धनसाधाम में सेम केस भेल छै ओहिमे ड्राइवर फरार छै तऽ एहन अवस्था से नहि आबै के लेल ट्रैफिक व्यवस्थापन सहज होय के लिए तऽ सिस्टम तऽ बनबे पड़लै एगो सिस्टम में आबै पड़लै सिस्टमे में लाबै के क्रम में हमनी ई भाड़ा दर निर्धारण कैली ऐसे भी बहुत चीज करेक्शन में अतै बाद में धीरे धीरे लाइसेंस के और चरण वाइज हमनी सब करबै ओहि के लिए ई कैली आब अही में विरोध कर रहल छै तऽ पहिले ही के हिसाब से ले रहल है वही हिसाब से छेड़ दियौ कतेक साथी सब कहै छै जिनकर अनुमति न है कि पैसेंजर बोके के वह आंदोलन में उतरल छै बिना टेस्ट कैले एकरा परीक्षण कैले तै में की कैल जा सकै छै तऽ पूरा अराजकता कार्यक्रम के एकदम अंत में आबि गेल छी मनोज जी बेसिक जे आधारभूत जानकारी जे होइ छै कमती में ओतेक तऽ राखऽ पड़लै जेब्रा क्रॉसिंग की छै मानि लियौ नहि छै जानकारी लेकिन किछु ट्रेनिंग तऽ लेबहो पड़लै ने
अहाँ असगरे नहीं चले छे ई रिक्शा में अहाँ संगे चार गो व्यक्ति चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किछ भइए गेले तो ओकर जिम्मेवारी तो चालक पर आबि जेतै। ट्रैफिक के कनी मनी जानकारी रहनाय आ जेना कहि रहल छथिन यातायात के प्रतिनिधि जे छथि उपेन्द्र जी, जे जिनका सामान्य जानकारी छै सामान्य लेख पढ़ कर जे जानि रहल छथि ओ ट्रायल पास कऽ लेतै लिखित के जे होइ छै, तऽ ओहिमे अहाँ सबके कैला समस्या भऽ रहल अछि जायमे कमतीमे देबहोमे की समस्या भऽ रहल अछि? दू चरण तीन चरण सर निकललैए साल भरि छः महीना पर, ओहिमे किछु व्यवसायी भरलकै तऽ पहिला बेरमे जे सर कहलखिन हँ जे हमसब ई छलैए तऽ ई हटाकऽ आब ट्रिकवला सिस्टम लगा देली। तऽ ट्रिक होइ छै पढ़िएके कोनो चीजमे अहाँ ट्रिक लगेबै आओर पढ़ैमे राम श्याम मोहन की लिखल छै अहाँके ई लिखे जनबे नहि करबै तऽ सोझे ओहिना भगवाने नामे ट्रिक लगा देबै। ओहन व्यक्ति नहि पेशामे छै, रिक्शावला छै, अखनो जे छै से ओ भारिये शब्द छै, प्लस लिखित पास केलाके बाद ट्रायलोमे जाके ओ सब फेल भऽ जाइ छै। लिखित ओहो रिकॉर्ड बहुतके छै जो लिखित कऽ गेलै आओर ट्रायलमे फेल खा गेलै। तऽ देख जी हम ओहिमे अपनेके स्पष्ट जानकारी देबे चाहै छी, राज्य एगो कानून बनेले हइ कि लिखितमे कमतीमे साधारण लेख पढ़ करैवला आदमीके मात्र ई टेम्पू चलाबैवला, तऽ की तऽ ई संशोधन होके लिखित परीक्षा हटाबे पड़लै आ यदि जब तक न हटतै तब तक अहाँ हम बिना लाइसेंसेके चलबै तऽ ई तऽ सरासर गलत है। प्रक्रियामे तऽ आबे कारवाई कारवाईके जिम्मा सेहो आब अहाँ सब पर आयत जे सब कहि रहल छथि कहुना कऽ कऽ अहाँ सबके जे व्यवस्था जे छै ओहिमे आबऽ पड़लै, नियम सब जे छै पालन करऽ पड़लै। जेना आरो बात बतेलखिन सड़क जते छै ओहिमे चाप बेसी बढ़ि रहल छै, ट्रैफिक व्यवस्था करऽमे गारो हेतै मन पर्दी रहै, ताहि सबके कारणसँ ई सब भऽ रहल अइ। तऽ लाइसेंस लेबऽके प्रक्रियाके बारेमे अहाँ बता रहल छी लेकिन जानकारी तऽ राखऽ पड़लै। आब जे नियम बना देल गेल छै राज्य द्वारा बना देल गेल छै, कोनो व्यक्ति तऽ नहि बनेने छै, ओहीपर पहल यदि कऽ सकै छी तऽ ताहि हिसाबसँ पहल अहाँ सब केलियै, किनकोसँ बात केने छियै ओहिके बारेमे? सारा व्यवसायीसँ हमर बात भेल छै सर, एहिठाम गप रहि गेलै ई जे कि लाइसेंसके बारेमे जे छै सुलभ तरीकासँ हमसब दू बेर तीन बेर भरलियै। आब एहिठाम नियमावली एहनके की नियम छै, यातायातके अपन नियम छै कि अधिकृत जीके अपन नियम छै जे छओ महीना साल भरिमे एक लॉट खुलै छै। एहिठाम जनकपुरमे लाइसेंस पार्किंग आ गाड़ी जे डेली बढ़ि रहल छै गैर कानूनी चलि रहल छै ओकरा जे है से ट्रैफिकके नियन्त्रण करऽके छै, कोन गाड़ी कहाँके छै संस्थावलाके देखऽके छै, हमरा चौकमे जाइसे दोसर जगहके गाड़ी आयल कि नहि आयल कि जाइसे हमर अपन गाड़ी चलि रहल अइ, दुनूके नियन्त्रणमे। आओर कागजातके मामलामे जे संख्या निर्धारण नगरपालिकाके करऽ पड़तै जे हम कतेक गाड़ी अइ नगरमे चलबै, आओर एजेंसी जी तब एजेंसीके दोकान छै ओ लाइसेंस लेने छै ओ बेचबे करतै, ओकर इजाजत छै जे ओ ललका नंबर बेचतै, लेकिन भाड़ा गाड़ी हके इजाजत जैसे देबऽवला के छै तऽ नगरपालिका, ओ नगरपालिका एक बेरमे 500 कोटा खोललकै 1500 रुपैआके दरमे लेलकै दस्तूर, पहिला बेरमे रहै 10 रुपैए लेने दर्ता कयने छी वएह ओही गाड़ीके, पुनः किछु दिनमे 2500 किछुके दर्ता कयलकैए, एखन जैसे बन्द कऽ देने छै। आब यदि सही रूपसँ यदि एकरा निराकरण करी रेट गाड़ी पार्किंग तऽ एहिठाम काल्हि नहि भऽ कऽ आइ जे होइ तऽ ओहि रूपमे भीड़ कऽ तब जे करबै तब अहाँके सही रहतै। अंतिम प्रश्न अपने सर, ताहिके बाद हम हरनंदन जी उपेन्द्र जी तरफ आयब। एखन आब जे अहाँसब विज्ञप्ति देलियै 48 घंटाके भीतर एकरा चेंज करऽके मांग केने छी, यदि नहि भेलै ओहि तरफ तऽ की करबै अहाँसब, कतऽ आगे जा रहल छी, सेवाग्राहीके तऽ समस्या हेतै। 48 घंटामे यदि हमर मांग पूरा नहि हेतै तऽ हमसब जे है से आब पेशासँ यदि हम असंतुष्टे हेबै, भरि दिन जनताके सेवा करबै 99 आदमीके आ सैमामे एकटा व्यवसायीके यदि बाल बच्चाके पेट नहि भरतै तऽ हमसब पेशा बन्द कऽ देबै। अभिनन्दन जी, पेशा छोड़ऽ तकके बात ओसब कहि रहल छथि, 48 घंटाके अहाँ सबके समय भेटल, ट्रैफिक आब की करऽ जा रहल छै, एहिपर की विचार भेलै? एगो राज्यके जे सिस्टम बनायल गेल छै जे कानून बनायल गेल छै ओ तऽ पालन करहीके पड़तै ने, जे एकटा कानून बनायल गेल छै सिस्टममे आबैके छै व्यवस्थापनके बाद छै। अब जनकपुर पहिला जनकपुर नहि रह गेलै, अब राजधानी भए गेलै, तऽ राजधानीके हिसाबसँ ट्रैफिकके भी ओ समस्या समाधान करऽ पड़तै, एहिमे टेम्पू चालक टेम्पू व्यवसायीके भी ओहिमे सहयोग करऽके पड़तै।
तो अतेक दिन से टेम्पू मन पर्दिए भाड़ा लेते रहा या आई हम यदि रिस्ट रेट लिस्ट फाइनल कर लिया तो एक बिना टेस्टे कहले हँचुआ के भर में आंदोलन के घोषणा करे 48 घंटा के समय तो 72 घंटा के समय ये सरासर गलत है। चेंज हेतु कि नहीं रेट लिस्ट एक जब तक ए में ये हम अपना मन से नहीं कहले एगो ए में बैठक बैठक पड़ते हम उनका आग्रह करे कमती में एक हफ्ता अहाँ एक देखियो यदि समझ बुझाते कि टेम्पू माइनस में जा रहा है तो एकदम ये तो दू घंटा में चेंज भ जाते हैं। उपेंद्र जी अंत में हम रिक्शा चालक व्यवसाय के अपने के कुछ कहे के जी लाइसेंस के प्रक्रिया वो अहाँ सबके माथा में अबे जी वही के लिए अहाँ सब कहे करे वाला सहयोग तैयार छे के अलावा भी ई रिक्शा बाद बाकी हुनका सबके की कह चाहबे अपने से हुनका सबके हम सबसे पहले ये आग्रह करब कि सबके सहयोग से ई चीज भ जाए सहयोग नहीं करबे तो न चलते न चलता से जनता के असहयोग होते ते दुआरे कोनो चीज लागू होइ छै एक टा व्यवस्थापन समिति के निर्णय के एकरा एक बेर डायरेक्ट लागू नहि कऽ के ई समस्या है ते समस्या मात्र तिरसैला से नहि हेतै समस्या के समाधान केना हेतै ते तरफ जाय पड़लै कोनो असंतुष्टि है किसान कऽ के जेना यातायात व्यवस्था कार्यालय भेलै जेना ट्रैफिक भेलै ई सबके आग्रह कऽ के हाँ एक बेर पुनर्गठन कयल जाय विरोध नहि कऽ के पहले जनता पब्लिक में विरोध नहि कऽ के ऑफिशियली आके फिर बैसाएल जेतै आबे चलै छै एक हफ्ता चलै छै ओहिमे की समस्या हेतै न हेतै की हेतै एक एगो मान लिअ भरेमे असन्तुष्टि कि आओर समस्या आबि जाइ कि पार्किंगोमे समस्या आबै छै कि आओर समस्या आबै छै ओ सबके एक बेर समाधान कयलासँ बार बार फेर आन्दोलनमे नहि आबे पड़ै तऽ एक मुष्ट छलफल कऽ के जे होतै से बढ़िआँ होतै ताहिके लेल हम कहै छी आन्दोलन अखन नहि करै लए यातायातके तरफसँ हमसब कहै छी कि आउ छलफलमे आउ चले दियौ एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता की समय होइ छै ओहि टाइममे बैठके हमसब छलफल करबै हमहूँसब सोचबै फिर सी डी ओ साहब ले जेबै सी डी ओ साहबके अध्यक्षता में छै ई बात तऽ हुनका लग बैठबै बैसाके मीटिंग बैठलाके बादमे की असंतुष्टि ओ असंतुष्टिके समाधान कयल जेतै एना यथाभावी अब चलेबे नहि कयलियै तऽ आब कोन बहुत रङ्गके समस्या होलै तेना हिनको सबके दायित्व है खाली यातायातके ट्रैफिकके आओर सी डी ओ कार्यालयके ई सबके सबके दायित्व होइ छै तऽ सबके कनि कनि सहयोग होलाके ठीक होतै आओर लाइसेंसके प्रक्रिया है जे बेसिक रूल्स है हमरा सबके जे मापदण्ड है कानूनी आधार है ओहिके लेल तऽ हमरा सबके वही हिसाबसँ जाय पड़लै हिनका सबके एकोबेर नहि देखलिए आके ऑफिसमे आके बात कयला हिनकासँ पूछियौ अपने पूछल जाउ कि एकोबेर ऑफिसमे लाइसेंस के जाउ उम्मीद रखी संवादसँ ई जे समस्या छै समाधान भऽ जाय आ जनताके कोनो परेशानी नहि तीन गोटे आबि देलहुँ अपन अपन विचार रखलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद तीन गोटेके जी धन्यवाद दर्शकवृन्द आइके प्राइम टाइमके समय हमरा सबके समाप्त होइत अछि निरन्तर रूपसँ हमसब फेरसँ उपस्थित हेबे करब अलग मुद्दा अलग अतिथिके साथमे अपन टेलीविजन देखते रही हम अमित ठाकुरके विदा दिअ नमस्कार।